हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सेंटर में। मैं आपके लिए बिहार पुलिस का जो थर्ड सेट चल रहा था उसमें जो है प्रथम जो है 70 क्वेश्चन ही हुआ है, इसलिए यह 70 क्वेश्चन के बाद का वीडियो है। ठीक, उसको देखने के बाद इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, यानी कि 71वां क्वेश्चन, कि ये जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा जो है, ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूके की राजधानी कहाँ है। तो यूके की राजधानी कौन सी है, ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है बर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। तथा फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तथा न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरे लेटर डे, अरे लेटर डे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है लाल दिवस, ऑप्शन बी है एक महत्वपूर्ण दिवस, ऑप्शन सी है पत्राचार दिवस, ऑप्शन डी है काला दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महत्वपूर्ण दिवस। क्या, एक महत्वपूर्ण दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। ऑप्शन ए है के एम करियप्पा, ऑप्शन जी है जे मानिक शाह, ऑप्शन सी है सुंदर जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मानिक शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए है 5:2, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी होती है, 3:2। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे में जो है कितने रंग है, तो कितने रंग है, 4 रंग है। कितने, 4 रंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफा है, महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफा है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है पाल और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट शासक, एलोरा के गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कौन, राष्ट्रकूट शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अवंती, ऑप्शन बी है कोसल, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी डी है कोसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तथा राजगीर की कहाँ थी, राजगीर के गिरिब्रिज, गिरिब्रज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है सिकंदरा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, सिकंदरा में स्थित है। ठीक, कहाँ, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित किसके द्वारा, सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु नानक और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। कब, 1699 में। तथा गुरु गोविंद सिंह की जन्मदिन 1666 ईस्वी में हुआ था। कब, 1666 में। तथा सिख धर्म के जो है संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ, तलवंडी में है, जो अब तलवंडी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे समझा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है किसे समझा जाता है। तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तथा राजा राम मोहन राय ने जो है सन 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तथा इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ठीक, तथा दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे, तथा महात्मा गांधी जो हैं भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत का जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत
ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ठीक, और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867 ईस्वी में भारत का जो है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 20 रुपये बताए थे। ठीक, और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, और डब्ल्यू सी बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन ए है सोयूज, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है पाथफाइंडर और ऑप्शन डी है वायजर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वायजर, जो बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए 1979 यानी 1979 में छोड़ा गया था। कब? 1979 में। और सूरज जो है टी सूरज 11 से जो है राकेश शर्मा प्रथम बार कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। ठीक, और पाथफाइंडर जो है मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला उपग्रह है, पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये सभी देशों का नाम है, ये किसी शहर का नाम नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मदुरै तमिलनाडु, ऑप्शन बी झांसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरिद्वार उत्तराखंड, ऑप्शन डी अलवर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? झांसी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? झांसी मध्य प्रदेश। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कहाँ है? गुजरात में। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है पिंजौर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है कन्याकुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। अगर ऑप्शन में मथुरा रहता है तो अधिकांशतः तो मित्र मथुरा ही टिक करते हैं। याद रखिएगा कि वृंदावन गार्डन मथुरा में नहीं मैसूर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। ठीक, तथा बी है अंग्रेजी एवं फ्रेंच, सी है अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच एवं रूसी और ऑप्शन डी है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, अंग्रेजी, ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश, तथा अंग्रेजी एवं फ्रेंच ये जो है कार्यकारी भाषा है वहाँ के, दो दो जो है कार्यकारी भाषा है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, संसद की कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा के बिना, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के बिना, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के बिना, ऑप्शन सी संसद सदस्य के बिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद सदस्य के बिना संसद काम नहीं कर सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद किससे संबंधित संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। किसे? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए वर्ष 1997 में किस फॉर्मूले को मान्यता दी थी? ऑप्शन ए है योजना आयोग कार्यदल फार्मूला, ऑप्शन बी है लकड़वाला फार्मूला, ऑप्शन सी है वेंकट चोलैया फार्मूला, ऑप्शन डी है नरसिम्हन फार्मूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का बी लकड़वाला फार्मूला। सन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लकड़वाला फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना का फॉर्मूला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य एवं जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी चंद्रपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी खांडवा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ऑप्शन डी उमरिया मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
सिंगरौली मध्य प्रदेश, कहाँ? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो गुलबर्गा कर्नाटक, मिदनापुर गुजरात, वर्धा महाराष्ट्र, तो कोचिन तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। गुलबर्गा कर्नाटक में है तथा मिदनापुर, मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, तथा वर्धा महाराष्ट्र में है एवं कोचिन केरल में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। ठीक, इसका स्थापना किया गया था 8 मई 1863 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 मई, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 मार्च। 8 मार्च, तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। तथा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से किस भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन ए है प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी है स्त्री शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक विश्व विरासत स्थल ऐसी सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए है यूनिडो, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है यूनिसेफ और ऑप्शन डी है UPU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 तथा इसकी मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को की पेरिस है। कहाँ है? पेरिस। तथा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में एवं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है भौतिकी, ऑप्शन सी है शांति और ऑप्शन डी है आर्थिक, आर्थिक अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में मिला था इनको, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। और गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से किसको जानता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक, तथा भारतीय के जो है राष्ट्रीय गान जनगणमन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तथा बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला, उसके भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है राइस ड्रोनेट, ऑप्शन बी है डायजेपम, ऑप्शन सी है फ्रोलिक एसिड, ऑप्शन डी है हाइड्रोलेजिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रालेजिन का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है। लास्ट एवं 16 नंबर क्वेश्चन है, चुकंदर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है मुख्य जड़, ऑप्शन बी है आकस्मिक जड़, ऑप्शन सी है तने का कंद और ऑप्शन डी है प्रकंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य जड़। यह वीडियो आपको दोस्तों यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।